अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से शेप ड्रेसेस दिखा रही हूँ। बॉडीकॉन ड्रेसेस में आपको दिखा रही हूँ, शेप ड्रेसेस दिखा रही हूँ, शेप ड्रेसेस में आप लोगों को दिखा रही हूँ। कलर ब्लॉक के साथ ज़्यादा डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं, कुछ सिंपल प्लेन डिज़ाइन आप देख रहे हैं, कुछ पैच वर्क के साथ भी आप लोग डिज़ाइन देखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल से, बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत से ड्रेसेस आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखिए वर्ड, सिंपल से बहुत ही खूबसूरत आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए डिफरेंट कलर कम्बिनेशन में आप लोगों को दिखा रही हूँ, डिफरेंट डिज़ाइंस में आपको दिखा रही हूँ। देखिए ब्लैक के साथ डिफरेंट कंट्रास्टिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में भी है, ब्लैक के साथ। ये देखिए स्किन शेड भी आप देख रहे हैं, पिंक भी देख रहे हैं, रेड भी देख रहे हैं, तकरीबन हर तरह के कलर्स कंट्रास्टिंग और डिज़ाइनिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए बर्ड्स, स्लिम फिट ड्रेस आप देख रहे हैं, बॉडीकॉन ड्रेस देख रहे हैं, शर्ट ड्रेस देख रहे हैं, शिफ्ट ड्रेस देख रहे हैं। तकरीबन मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी 40 डिज़ाइन दिखा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ फर्स्ट कि मेरी दूसरी वीडियोस की तरह आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।